कपिल मिश्रा को पूरे दिन के लिए आज सदन से बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने एक बैनर रेस किया था जिसके अंदर गुमशुदा केजरीवाल सदन में आओ, इस तरह का एक मैसेज दिया गया था। कपिल भाई, क्यों आपको बाहर निकाला गया? सर, मानसून सत्र आज खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा मानसून सत्र गुजर गया है। एक मिनट के लिए भी अरविंद केजरीवाल विधानसभा में नहीं आए हैं, सदन में नहीं आए हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? और यहाँ तक भी कि जब कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि क्योंकि विधानसभा का सत्र है इसलिए कोर्ट की डेट आगे बढ़ाई जाए, तो वो विधानसभा में तो एक दिन भी नहीं आ रहे हैं, कोर्ट की भी उन्होंने डेट आगे बढ़ाई है, तो वो कर क्या रहे हैं? और मोहल्ला सभा पर चर्चा हुई, केजरीवाल गायब थे। गैस टीचर के मुद्दे पर चर्चा हुई, केजरीवाल गायब थे। न्यूनतम मजदूरी के ऊपर चर्चा हुई, केजरीवाल गायब थे। और कल से दिल्ली की जनता का ट्विटर पे एक कैंपेन मैंने चलाया, 80% लोगों ने उस कैंपेन में ये बोला है कि केजरीवाल को सदन में आना चाहिए, उसके बाद भी वो सदन में नहीं आ रहे हैं, तो ये मतलब है कौन सी छुट्टियां मनाई जा रही हैं ये? लेकिन बैनर रेस करने के अलावा भी आपके पास ऑप्शन थे, क्योंकि आपको ही पता था बैनर रेस करेंगे तो तुरंत बाहर निकाल देंगे। नहीं, बैनर तो रेस करना ही था, बोलने तो वैसे भी नहीं देते हैं, इसलिए मैं लिखकर लेके गया था। और मैंने अध्यक्ष महोदय से सवाल भी पूछा कि अरविंद केजरीवाल कहां है, उसका भी जवाब नहीं दिया। और मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब दिल्ली की जनता को दो, 4 दिन से सदन में क्यों नहीं आ रहे हो, कहां पे? पूरा मानसून सत्र निकल गया और मुख्यमंत्री नहीं है सदन के अंदर। आपने ये भी आरोप लगा रहे हो कि सचिवालय में भी नहीं जाते हो, पिछले एक साल से एक दिन भी नहीं गए, और सारे पत्रकारों को ये बात मालूम है, आपको अरविंद केजरीवाल सचिवालय में नहीं मिले होंगे पिछले एक साल में एक दिन भी, तो एक दिन भी अपने दफ्तर नहीं गए हैं पूरे मानसून सत्र में। विधानसभा भवाना की पदयात्रा चल रही दिखी है ट्विटर पे, चुनाव प्रचार करना एक अलग बात है, लेकिन सदन में तो आओगे ना, जब सदन लगाया गया है, मानसून का विशेष सत्र दिल्ली की समस्याओं पे है, स्वाइन फ्लू पे चर्चा हो रही है, किसी में भी अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये कौन सी खास छुट्टियां मनाई जा रही हैं? तो कपिल मिश्रा को बाहर निकाल दिया गया है और लगातार वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ इस तरह से चीज़ें ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो आगे भी इस तरह की चीज़ें कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार के खिलाफ करते रहेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।